जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है श्री मंदिर में। नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल होगा कि नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कितने खास रहने वाले हैं ये 9 दिन। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे नवरात्र की पूरी जानकारी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ये वीडियो। नवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि का संस्कृत में अर्थ है 9 रात्रियां। इस पर्व के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, शरद, चैत्र, माघ और आषाढ़। शरद और चैत्र नवरात्रि ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कही जाती है और तांत्रिकों और अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष शरद नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर को इसका समापन होगा, क्योंकि चतुर्थी छाया तिथि होने के कारण इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। अब 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस साल घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से 10:11 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:32 तक रहेगा। जो लोग इन 9 दिनों के दौरान उपवास रख रहे हैं उनके लिए पारणा का मुहूर्त 15 अक्टूबर को शाम 6:22 के बाद होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शरद नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। देखना ना भूलें श्री मंदिर ऐप पर अगला वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की घट स्थापना की विधि क्या है। तब तक के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता।